यहाँ से ना आप सामने की तरफ देखोगे ना तो देखो वहां से ना बारिश वगैरह आना भी स्टार्ट हो गई है, यानी खतरनाक सा माहौल बन रखा है। और यहाँ देखो यहाँ इतने बड़े बड़े पुड़पुड़े हो रखे हैं। अच्छा ताऊ जी थे। अच्छा ताऊ जी, और ये जो गांव है ना दोस्तों, इस गांव के पीछे ना इस वाली धार से पीछे ही पोखड़ा वगैरह लग जाता है। बंदा ना दोस्तों कांप रहा है, लिटरली बोल रहा हूँ कांप रहा है। इसको हैट्रिक चांस। ओए क्या कर रहा है? बगड़ी धार का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और नीचे भी खूबसूरत से गांव है, सामने भी खूबसूरत से गांव है। देखुंडे की समिति की भी दाद देनी पड़ेगी भाई दोस्तों, इंटरनेशनल मैच रद्द हो जा रहे हैं बारिश के कारण। बढ़िया भाई हमारी वीडियोस भी देखता है तो हमारा सब्सक्राइबर भी है, बहुत बहुत धन्यवाद है, देखते रहना तब है, मिलते हैं। मुंबई से वो भी। हाँ तो नमस्ते कर दो। तो आज जैसे उठे ना दोस्तों तो बाहर का माहौल देखो भाई दोस्तों, क्या प्यारी सी धूप लगी हुई है, सामने के नज़ारे भी क्या मस्त तरीके से हो रखे हैं। कल पूरे दिन भर बारिश रही और आज ना देखो क्या प्यारी धूप खिली हुई है, बट आज भी ना पूरी बारिश बता रखी है। तो कुछ ही देर की ये धूप है, कुछ ही देर में बादल लगना शुरू हो जाएंगे। और आजकल दोस्तों जो सूर्योदय हो रहा है ना वो ठीक यहाँ से हो रहा है, और जब ठंडियों का टाइम होता है ना तो वो ठीक यहाँ से होता है, यानी ब्रूखाल के ऊपर से। पहाड़ों में दोस्तों मानसून का टाइम शुरू हो गया है, तो आपको अब पहाड़ों में ज्यादातर बारिश ही देखने को मिलेगी, यानी यही माहौल देखने को मिलेगा कि कभी भी बारिश आ सकती है। और आजकल पहाड़ों में ना खेतों में निराई गुड़ाई का काम चल रहा है, तो लोग सुबह सुबह चले जाते हैं दोस्तों अपने अपने खेतों में। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और लोग चले गए अपने अपने खेतों में निराई गुड़ाई के काम करने के लिए। तो चलिए इस प्यारे दिन के साथ वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। तो है गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्यारी सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गाँव एरुली से, जो कि पौड़ी गढ़वाल के बिरोखल ब्लॉक में पड़ता है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादल स्टाइल बड़ा कैजुअल है भाई, बड़ा कैजुअल है, क्या करे, इसको उठाने आया दोस्तों उस वाले से इस वाले में आ गया, पर उठ नहीं रहा है, उठ रहे चल। और ठीक सामने देखो भाई दोस्तों इस वाले पेड़ में ना देखो कितने सारे दलमिया हो रखे हैं। दलमिया दोस्तों होते हैं अनार के ही जुड़वा भाई, यानी दलमे होते हैं खट्टे और अनार होते हैं मीठे, तो दलमिया हो रखे हैं इस पे और देखो क्या लाल लाल हो गए हैं। और इस साइड वाले पेड़ पे भी देखो कितने सारे हो रखे हैं, तो ये अनार होगा या दलमिया होगा ये मैं कन्फ्यूज हूँ, इसको तो चखना पड़ेगा, उसी के बाद पता चलेगा कि अनार है कि दलमिया है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ते ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। चलो भाई दोस्तों अपना नाश्ता वगैरह भी हो गया है, मस्त चाय पी रहा हूँ लास्ट में। बाकी दोस्तों ठीक 8 बज रहे हैं और चाची जी तल्ली अरली से पहुंच गए हैं। चाची क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक छो, एकदम बढ़िया, आप बताओ। ये वो सबसे पहले हमारी चाची आ रखी है। कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा कह रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बस कहाँ, बस 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 थोड़ी है यहाँ यार, रोड नहीं है, रोड कच्ची है, बस नहीं चलती यहाँ। चलो कोई बात नहीं, अच्छा सबसे पहले चलो, गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इन दोनों के लिए दोस्तों मैंने चाय नहीं बचाई, तो देखो आप जाके अपने लिए चाय बना रहे हैं, क्योंकि चाय कम थी, चाय हमने पी ली थी, है ना, अब आप पी लो है बना के। आपको ना दोस्तों एक पुरानी चीज दिखाता हूँ, यहाँ देखो ये है ना दोस्तों, ये बोल जड़ा का सिंह है, यानी जड़ा होता है ना बारह सिंगा करके, जो हिरन वगैरह होते हैं ना तो उनका सिंह है ये। और ये ना पुराने टाइम पे ना घरों पे लगाए जाते थे, मतलब बहुत पुराने टाइम पे, तो पता नहीं कितने पुराने टाइम से लगा होगा और अभी तक है देखो। और पहले कहावत थी ना, पहले मान्यता थी कि बल जब भी इन चीज़ों को लगाया जाता था ना बल मकानों पे, तो ये बहुत शुभ होते हैं, तो मतलब बहुत पहले से लगा रखे हैं, बहुत पता नहीं कितने सालों पहले से होगा। और आज ना दोस्तों HP विभाग से ना कुछ कर्मचारी आने वाले हैं, यानी गैस सिलेंडर जो आता है ना उसी वाले विभाग से, क्योंकि भले जितनों के नाम पर भी गैस सिलेंडर किया है ना उनका सभी का सत्यापन होगा, यानी किसी के नाम पे, यानी किसी के अगर किसी के नाम पे नहीं होगा तो वो एकदम कट हो जाएगा, उसका पूरा वेरिफिकेशन होगा मतलब सभी का, तो सभी लोग आने वाले हैं। तो चाची जी पहले ही पहुंच गए, अभी नीचे से और भी आएंगे, मतलब सभी लोग आएंगे। वहाँ आ रहे थे कर्मचारी, वो बोल रहे अपना गैस का सत्यापन करो, ठीक है, जो घर में नहीं रहेगा उसको सिलेंडर नहीं मिलेगा, आज जब ठप्पा धरोगे
तब तुम्हें सिलेंडर लागू होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। पर्स ले जाने का रीजन क्या है? इसमें है मेरे कागज पत्र सब कुछ, पैसे पल्ले कागज पत्र सब कुछ है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जहीं जाती हूँ वहीं इसको हल्का देती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आज पंचायत भवन में भाई दोस्तों खूब सारी भीड़ बढ़ने वाली है। यहाँ देखो भाई दोस्तों, अरुण भाई भी घर पहुँच गए हैं, गोरे गोरे हो गए। अरुण भाई क्या हाल है? मस्त है ना, गलोड़ वोले लग गया यार तुम्हारे तो, गोरे हो गए यार। स्कूल खुल गया है तो टाइम से पहुंच गया अरुण भाई। हाँ बिल्कुल, चलो बढ़िया है यार। तो यहाँ देखो भाई दोस्तों खूब सारी भीड़ आज हमारे गांव के पंचायत भवन में। फिलहाल जो काम वगैरह है ना वो ठीक आगे यहाँ पे चल रहा है। बाकी कुछ लोग चौंडला से भी आ रखे हैं और बाकी अपने तल्ली अरली से और अपने गांव वाले तो हैं। तो अपना दल है दोस्तों अब आ रहा है, देखो एक लाइन पे। लिफ्ट लगा दो यहाँ पे। अच्छा लिफ्ट लगानी है? बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए लिफ्ट है। दोस्तों ताज लोग टाइम से आए और टाइम से काम निपट गया है, हो गया ना सारा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। ना सारे लोग ना नीचे पंचायत भवन में जा रहे हैं, सभी का काम वगैरह हो रहा है, यानी सत्यापन का जो भी काम है ना वो चल ही रहा है। और हम आगे दोस्तों ऊपर रोड की तरफ, और जो मैंने आपको कहा था ना कि कुछ ही देर में बादल वगैरह आने वाले हैं और बारिश वगैरह के चांस बनेंगे, क्योंकि वेदर रिपोर्ट में बिल्कुल बारिश बता रही है आज भी, तो बादल वगैरह लग गए हैं, बारिश के चांस फिर से बन गए हैं। चलो भाई दूध वाले भी आ गए हैं। फिलहाल अभी दोस्तों हम ठीक अपने गाँव के ना नौला सैंड की तरफ आ गए। गाँव हमारे दोस्तों नीचे है और यहाँ देखो एक पुड़पुड़ा मिल भी गया है। पुड़पुड़े ढूंढने के तो नहीं आए थे बट अब ढूंढेंगे क्योंकि एक मिल गया है। पुड़पुड़ों की खोज दोस्तों लगातार चल रही है बट हमें पुड़पुड़े नहीं मिल रहे हैं। एक ही पुड़पुड़ा मिला इस भाई को, अरुण भाई को, अब नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल अभी ना हमने चार पांच खेत छान लिए हैं बट किसी में पुड़पुड़े नहीं है, क्योंकि पुड़पुड़े तो लोग सुबह ढूंढ के चले गए होंगे तो इसीलिए अब हमें नहीं मिल रहे हैं। और पुड़पुड़े जो होते हैं ना दोस्तों ऐसे ही बंजर खेतों में पड़ते हैं, यानी इन बंजर खेतों में वो होते हैं। और जब कहा जाता है बस गिड़िकतली होते हैं ना, गिड़िकतल मतलब बारिश होती है, तो बारिश के साथ साथ जब बादल गरजते ना तो उसी के टाइम पे बोला पुड़पुड़े निकलते हैं। तो पुड़पुड़े निकलते हैं हमेशा ऐसे बंजर खेतों में। कहते हैं जब यूं चला भी होता है, यूं चला ऐसे होता है कि जैसे बारिश हो रही है ना, बारिश के साथ साथ धूप आ जाए तो उसको बोलते हैं ह्यू चला। तो मतलब ह्यू चला के टाइम पे बोले पुड़पुड़े वगैरह होते हैं। और हमारे गांव में ना खेती भी बहुत कम हो गए, तो दो चार जो खेत हैं इधर तो उनमें हो रखा है। देखो इधर इस वाले खेत में एक है, बाकी ऊपर से नीचे मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ ना बंजर खेत है, बीच में एक है और इससे नीचे की तरफ पूरी खेती है लोगों की। और अभी ठीक 12 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों, और हमारा प्लान अचानक से बन गया है मैच खेलने जाने के लिए। मौसम भी बन रहा है बट क्या करें, फौजीदार के साथ ही इसी ने फौजीदार ने बोला तो हम निकल गए। अब अदो लगता तो रोड एकदम बढ़िया है बट यहाँ से ना हमारे गांव से कम 2 किलोमीटर ना इतनी ख़राब है कि क्या ही बोलूँ। मतलब जब बारिश हो रही है ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो रहे हैं, तो सुबह से तो बारिश आई नहीं है तो उसके चक्कर में अभी तो ठीक ठाक है। ठीक दोस्तों बेदिखाल मार्केट में पहुँच गए हैं, और सामने से ना यानी ठीक दीपा वैली की तरफ से देखो क्या खतरनाक बारिश आने लग गई है। यहाँ देखो क्या मौसम बन गया है, और वहाँ से तो बारिश आने लग गई है, तो क्या होता है देखते हैं। अभी फिलहाल अभी बेदिखाल मार्केट में आगे जाने का प्लान बनता है कि नहीं बनता है। कि इस बसगाल में यानी इस बारिश के टाइम पे इंटरनेशनल मैच होना मुश्किल हो रहा है, और पता नहीं कैसी समिति है यार उनकी, देकुंडे की समिति शायद इतनी खतरनाक है कि वो इतने खतरनाक मौसम में मैच करवा रहे हैं। वही खतरनाक समिति मतलब, और वहाँ जो फील्ड है ना वो भी ऐसी जगह में है जहाँ पे बिल्कुल चिपली वाली मिट्टी होती है, मतलब बारिश पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा चिपला हो जाता है। तो पता नहीं यार कैसे तो मैच करवा रहे हैं, समिति खतरनाक है शायद। और मार्केट के जो हाल है ना दोस्तों वो भी बिल्कुल खाली खाली से हैं, क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन तो आपको पता ही है कि कौन ही रहेगा मार्केट में। वगैरह का टाइम भी हो गया है तो देखते हैं फिर होटल वगैरह में ही खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे मैच में। होगा तो ठीक और नहीं होगा तो फिर देखते हैं, क्योंकि बारिश के चांस भी बनी रहे, बारिश हो जाएगी तो फिर क्या ही होगा, पर देखते हैं। अब निकल गए तो जाएंगे जरूर। कल हम भाई जी के होटल में जा रहे हैं, तो यहाँ हमने खाना वगैरह खाया, तो फिलहाल खाना वगैरह चल रहा है। हमारा खाना तो हो गया, दीदी जी के होटल में आज खाना हमारा, बाकी भाजी के होटल में। तो भाजी अभी ले रहे हैं खाना का आनंद, तो कैसे हो रहा है तब भाजी? बहुत अच्छा हो रहा है ना। अच्छा फाइव कितनी रेटिंग दोगे फिर है? कितनी रेटिंग दोगे खाने? फाइव स्टार रेटिंग। भाजी बता रहे हैं बोले रहने वगैरह की व्यवस्था अगर कोई भी ट्रैवल वगैरह करके आए तो बोल कमरे वगैरह मिल जाएंगे, तो क्या रेट वगैरह है? मतलब रेट है 150-200, वन नाइट मतलब एक नाइट का।
अच्छा बहुत बढ़िया। बारिश वगैरह तो नहीं आई फिलहाल, हवाएं चल रही है बहुत मस्त मस्त वाली, और बारिश के अभी चांस तो है नहीं क्योंकि जो काले बादल है ना वो हट चुके हैं। इधर साइड को थोड़ा बहुत है पर देखते हैं। अचानक से फोन आया और अचानक से प्लान बन गया है तो निकलते हैं। ये जी हो गया है सभी का खाना वगैरह और खाना छोड़ के हम आ गए क्योंकि लोंडो को फोन आया और मैच वगैरह हो रहा है और फिर मैच हुआ, मतलब अभी तक नहीं हुआ वहाँ, तो अब जाके खाना खा के आ रहे हैं। जिन लोंडों ने हमें बुला के रखा है ना वो घड़ेकाल पहुंच गया वाले और हम अभी यही है। चलो देखते हैं तब क्या होता है। इस चीज का भाई जी बोल रहे बोल ठगाने का हमें बोले सालों सालों का एक्सपीरियंस है मैच के लिए। चलो बढ़िया, हम निकल गए और खाना खा के ना थोड़ा सा वजन भारी हो गया, स्कूटी अब खींच भी नहीं रही है। तीन तीन बंदों को अरुण भाई का वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। सीधे 60 किलो। चलो भाई दोस्तों बूम बाम करके पहुंच गए हैं ठीक देकुंडे में, और देकुंडे जो गांव है ना दोस्तों वो नीचे के लिए है और जो फील्ड वगैरह है ना दोस्तों वो ठीक इस तरफ के हो, और मैच भी स्टार्ट हो गया है और हमें नहीं खिलाया जा रहा, बोल तुम चार ओवर के बाद आ रहे हो बोल। अबे ये लग गया बहुत हाई। अबे जी क्या हाल था बटा एलियल तो मुंडर घायल है, मुंडर तो 60 की स्पीड में ले 70 की स्पीड में हम आए वहां से भाई, स्कूटी नहीं खींच रही थी, स्कूटी नंबर रूलर स्कूटी नहीं रूलर हमें खींच भी नहीं रहा था, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं। देकुंडे की समिति की भी दाद देनी पड़ेगी भाई दोस्तों, इंटरनेशनल मैच रद्द हो जा रहे हैं बारिश के कारण, बट यहाँ देखो पिच उन्होंने सुखा भी दिया है और मैच भी करवा दिया है, वो भी बरसात के मौसम में बस गालम। वाह यार बढ़िया लग रहा है, इतने लड़के आजकल हो रखे हैं यहाँ बहुत बड़ी बात है भाई, आजकल कोई है भी नहीं हमारे इधर तो कोई भी नहीं, इधर फिर भी देखो इतने सारे लड़के हैं भी। मैच जो है भाई दोस्तों बड़ा रोमांचक मोड़ पे फंस गया है, मतलब अब तो यहाँ से भाई लोगों की जीत निश्चित है, तो भाई तुम्हारी जीत निश्चित। अब फिलहाल दोस्तों ऊपर मैच वगैरह चल ही रहा है, हम थोड़ा सा नीचे आ गए घूमने के लिए। अभी दोस्तों ठीक बगड़ी धार के सामने है, बगड़ी धार का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और नीचे भी खूबसूरत से गांव है, सामने भी खूबसूरत से गांव है, एक गांव दोस्तों नीचे है, और यहाँ की खेती भी बड़ी मस्त हो रही है, मतलब बहुत प्यारी लग रही है। नीचे दोस्तों लोग ना अपने अपने खेतों में निराई गुड़ाई के काम पे लगे हुए हैं, देखो लगभग सारे लोग निराई गुड़ाई के काम पे हैं, और इधर से आप सामने देखोगे ना तो एक प्यारा सा गांव ये भी देखने को मिलता है। इस गांव का नाम दोस्तों मुझे पता नहीं, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अभी हम बगड़ीदार के ही नीचे हैं और यहां ना हम बहुत पहले एक मैच खेलने भी आए थे, मतलब नीचे मैच था किसी गाँव में, वहां भी हमने मैच वगैरह खेले हैं। और एक खतरनाक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ढाबा है और उस पर क्या खतरनाक कलाकारी कर रही है, कलाकारी भी क्या, पेड़ को बचाने के लिए ना देखो चादर काट रखी है और चादर से ही पेड़ ऊपर के लिए उठा रखा है, ये कलाकारी बहुत तगड़ी कर रही है। और जो सामने के नज़ारे देखो भाई दोस्तों कितने प्यारे से हो रहे हैं। फिलहाल उधर से ना हल्की फुल्की बारिश आने की संभावना भी बढ़ रही है, क्योंकि इधर साइड को आप देखो ना तो बारिश वगैरह भी हल्की सी हो रही है, इधर साइड को देखो पूरी। बाकी जो ये वाली धार क्या है ना इस गांव के सामने की, इसी धार के पीछे दोस्तों पोखरा वगैरह लग जाता है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए। आजकल जो हमारे पहाड़ों के नज़ारे हैं ना दोस्तों बिल्कुल हरे भरे हो चुके हैं, तो यहाँ सामने देखो क्या हरियाली हो रही है। कुछ गांव दोस्तों इस साइड को भी है, इन गांवों का भी नाम मेरे को पता नहीं है बट बड़े मस्त से हैं, तो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। एक गांव यहाँ पे भी है देखो बहुत मस्त लग रहे हैं क्योंकि हरा भरा माहौल हो गया ना, बिल्कुल पहाड़ हरे हो गए हैं। और जो मैच क्या हो रहे हैं ना दोस्तों वो ठीक इस वाली जगह पे हो रहे हैं, मतलब ग्राउंड जो है ना वो ठीक यहाँ पे है। फिलहाल हम नीचे आ रखे हैं तो यहाँ से ना गांव बड़ा प्यारा सा दिखाई देता है। ये रहा भाई दोस्तों आपके सामने देकुंडे गांव, और खूब सारा बड़ा एक गांव है, बहुत प्यारा लगता है। यहाँ से शुरू होता है ठीक ऊपर से और कुछ इतना बड़ा है नीचे के लिए। अब जो मैच का सीन है भाई दोस्तों, अगर वो जीतेंगे तो अगला मैच होगा, और अगर नहीं जीतेंगे तो फिर चलो जय राम जी की आप घर की तरफ। हमारे जो भैजी है वो वही है, हम आगे नीचे भैजी सार में अवल कोई ना कोई तो खिलाई देगा क्यों। अब जो हवाएं है ना वो भी देखो कितनी खतरनाक चलना स्टार्ट हो गई है। लोदली की टीम तो भाई दोस्तों हार के चली गई, बट हमारे जो भैजी है ना पोहड़ी की टीम से खेलने लग गए और चक्का भी दे दिया है। का खाने के बाद भाई दोस्तों खतरनाक कमबैक, दो विकेट लगातार ले लिए, अब हैट्रिक पे है फिलहाल, हैट्रिक चांस। ओए कैच रे, अरे यार नो मैन्स लैंड में गिरी गेंद। डाली डाली फूलों की
तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ते ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। चलो भाई दोस्तों, अभी मैच का भी समापन होने वाला है। भाई देकुंडे से हैं और भाई की टीम जीत गई। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन भाई हैं। थैंक यू भाई। अब तो तुम बकरा खाओगे है ना? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बहुत जल्दी यहीं पे साइड में। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारी वीडियोस भी देखता है तो हमारा सब्सक्राइबर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद है, देखते रहना। तब मिलते हैं तब बहुत जल्दी। तो ये जीत का सेलिब्रेशन। चलो भाई दोस्तों निकलते हैं यहाँ से भी। मैच वगैरह तो हो गया और हमारी तो फजती हुई, मतलब बेकारी आए। सामने से भाई दोस्तों चमचमाती हुई धूप आ गई है। फिलहाल अभी ठीक भी दिखाल में है। अरुण भाई को स्कूटी सिखा रहा हूँ, यहाँ तक लाया जैसे तैसे करके। अब फिर से पकड़ पकड़ के सिखा रहा हूँ। चल आराम आराम से। हाँ हल्की दे रे, हल्की दे पकड़ी मेरे, हल्की दे। चला गया। देखो भाई दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट में ड्राइवर बना दिया, बट अभी हाथ हिल रहा है इधर उधर। अभी हाथ हिल रहा है, आगे देख, मुझे देख रहा है। बंदा ना दोस्तों कांप रहा है, लिटरली बोल रहा हूँ कांप रहा है स्कूटी चला के। अबे कांप मत, कुछ नहीं होता। पर तो 5 मिनट में ड्राइवर बन गया, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। एक ड्राइवर इधर भी है भाई दोस्तों, यहाँ आ जाएगा। ड्राइवर के लिए ना स्पेशल कमेंट आ रहा था, बोल गौरी को दिखाओ, बोल उनके मामा, आपके मामा जी का कमेंट आया था। अच्छा ताऊ जी थे। अच्छा ताऊ जी का कमेंट आया था आपके लिए स्पेशल। मुंबई से वो भी। हाँ तो नमस्ते कर दो फिर ताऊ जी के लिए। नमस्कार और ताई जी को भी। बिल्कुल बिल्कुल। अपना प्यार ऐसे बनाए रखे राहुल राव जी के। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं तब। सीखो तब है, आराम आराम से, पर सेफ्टी से। घर पहुंचते ही भाई दोस्तों, यहाँ देखो शीतल ने दे दी हमें गर्मा गर्म चाय। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी दोस्तों पता नहीं है सूरज कहाँ से आ जाता है, आज आया ही नहीं ना, लास्ट में आया इसीलिए। बाहर तो अभी दोस्तों गर्मा गर्म चाय चल रही है, साथ में पिंडों को गर्म करने की तैयारियां चल रही है। और जो अपना पहाड़ी कल्चर है ना, उसमें देखो बढ़िया से पानी वगैरह गर्म हो रहा है। साथ में पंदेरे वाले भी दोस्तों पंदेरे से आ गए हैं पानी वगैरह लेके। गुड बुला गुड। भाभी जी भी आ गए हैं दोस्तों दूध वगैरह के लिए। आबा हेलो, आबा हाय हाय, आबा शर्मा गई। हाँ देखो भाई दोस्तों, जिन चीज़ों की ढूंढ में हम सुबह गए थे, हमें एक पुड़पुड़ा मिला था, वो भी इतना सा। और यहाँ देखो, यहाँ इतने बड़े बड़े पुड़पुड़े हो रखे हैं। ये हमारी पहाड़ी सब्जी है दोस्तों, जो कि कुदरत की देन है। जब भी बारिश होती है ना, उस टाइम पे ये उपड़ते हैं। आपको बताया था मैंने आगे ब्लॉग में कि किस तरीके से ये होते हैं। तो ये जो पहाड़ी मशरूम क्या होते हैं ना दोस्तों, यानी पहाड़ी पुड़पुड़े, तो हमारे पहाड़ों में ना आजकल साग सब्जी की थोड़ी कमी नहीं रहती है। हमारे पहाड़ों में ना आजकल सब्जी की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि प्रकृति हमें इतनी सारी चीज़ें दे देती हैं। ये तो प्रकृति द्वारा हो जाती है, फिर आजकल सब्जी वगैरह भी खूब सारी हो जाती है गाँव में। बाकी ये जो पुड़पुड़े ढूंढ के लाया ना, वो आंसू ढूंढ के लाया और खुद ही नहीं खाता है, पर ढूंढ के ले आया। क्यों भाई ऐसा? खाता हूँ मैं। खाता है? कब से खाना शुरू किया? आज से करूंगा। आज से करेगा? चलो बहुत शुभकामनाएं आपको। लिंगुड़े पर हमारे यहाँ होते नहीं है। सुलूट जहाँ नमी बहुत ज्यादा होती है, मतलब पानी बहुत ज्यादा होता है, तो रोले टाइप की जगह पे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। च्यू वगैरह भी निकलते हैं। बिल्कुल।